subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का शूटिंग और रिस्पॉन्स कैसा आया फैंस की तरफ से? एक्सपीरियंस काफी फनी है, काफी मजा आया, काफी हार्डवर्क किया हम लोगों ने क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी थी और उस पर भी हम लोग ने इतना पसीना पसीना हो रहा था, लेकिन हमने बहुत मेहनत करके वो प्रोडक्ट बनाया है और काफी अच्छा सॉन्ग है और अभी भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग और सुने और अपने दोस्तों से शेयर करें। एंड आई थिंक द क्यूटेस्ट थिंग अबाउट दिस वीडियो इज द डॉगी, बहुत ही प्यारा है वो, आपको देख के डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छी वाली फीलिंग और अच्छी वाली स्माइल आएगी आपके फेस पे। एंड द सॉन्ग इज ऑल्सो वेरी पेपी, फन एंड जॉयस एंड बहुत मजा आता है पंजाबी म्यूजिक वीडियोज देखने में। एंड इसमें डॉगी भी है, इसमें मैं भी हूँ, दिस माई फर्स्ट एवर पंजाबी म्यूजिक वीडियो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड ऑफकोर्स ईशान खान का प्यारा सा वॉइस, इट इज समथिंग दैट यू शुड हियर। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप लोग, आप दोनों ने एक साथ काम किया है, कैसा रहा एसोसिएशन एक दूसरे के साथ? बहुत ही ऐसा लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, काफी जेल हो गए थे हम लोग और ट्रेवल पे ही जब हम लोग जा रहे थे और तो तभी हमारी काफी बातचीत हुई, हम अच्छे दोस्त बन गए, तो उसके बाद काम इजी हो गया अपने आप। अच्छा, आप जब प्ले कर रहे थे तो अविका जो है वो काफी एकदम से ऐसे मदहोश हो गई थी, मतलब गाने में पूरी एकदम से इंटू होते हैं ना, वैसे हो म्यूजिक लवर है तो यस। सो कितना अविका ऑन सेट अगर बात की जाए तो सॉरी अविका अगर ऑन सेट बात की जाए तो कितना एंजॉय किया आपने उस चीजों को? पहले तो ये कि जब गा रहे थे मैं से खो गई थी, आई एम अ म्यूजिक लवर, आई रियली अप्रिशिएट गुड वोकल्स, गुड वॉइसेस, गुड म्यूजिक एंड गुड लिरिक्स, एंड यहाँ पे ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हिच इज वेरी वेरी नाइस एंड ही सैंग इट सो ब्यूटिफुली, सो आई हैड टू बी लॉस्ट। और रही बात शूट पे हमने कैसे मजा किया, तो बिल्कुल ही ऐसे ये ऐसे अपने जो कुछ गाने थे जो आने वाले हैं आप भी जल्दी सुनेंगे वो हमने सुने गाड़ी में और बहुत मज़ा किया। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारी प्लेलिस्ट बहुत सिमिलर है, हम सेम टाइप के गाने सुनते हैं, तो हम वो गाने सुन रहे थे, इन्होंने कुछ गानों और यू नो वीडियोस से मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मैंने कुछ साउथ इंडियन म्यूजिक इन्हें सुनाया, तो ये जो जैमिंग हुई थी कार में ये बहुत ही अच्छा। अभी का अक्सर देखा गया है कि जो टीवी एक्ट्रेसेस होती हैं वो बॉलीवुड में शिफ्ट हो जाती है, तो कहीं ऐसा है आप भी कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट करना सोच रही हो या फिर अभी टीवी पर नहीं है तो बॉलीवुड में जाने का सोच रही हैं, ऐसा कुछ? मैं टीवी पे हूँ, कलर्स लगा लो खतरा खतरा में दिख जाऊंगी गिरते हुए, बट रही बात बॉलीवुड की तो अभी आई थिंक अराउंड 15 डेज पहले आपने मेरे इंस्टाग्राम पे और न्यूज में देखा होगा कि मी एंड मनीषा वर्किंग ऑन अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट, तो उसमें जाने के लिए कितना रेडी है क्योंकि बतौर गेस्ट आप जाती आई हैं पिछले भी कई सीजन में, तो क्या इस बार भी अगर जाने मौका मिले तो आप जाएंगे? एज अ गेस्ट आई वुड लव टू, एज अ गेस्ट मैं हर बार जाना चाहूंगी, हर सीजन जाना चाहूंगी और कलर्स तो अपना है उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ही ऐसे दिया था कि इसकी इनिंग्स कलर्स के साथ मुझसे ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के सलमान खान के मुंह से कि उन्हें भी पता है कि मैं कलर्स की एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, तो इट्स नाइस टू हैव अ कनेक्शन विद द चैनल एंड लेट्स सी इस बार भी कुछ हो। अच्छा, इसी के साथ साथ आप दोनों के फ्रेंड्स भी हैं नचपलिए में, तो अपनी अपनी तरफ से अगर अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज देना चाहें क्योंकि जल्दी फिनाले भी होगा, गिने चुने कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। बिल्कुल, मैं प्रिंस भाई और जो युविका हैं उनको अपनी तरफ से हमेशा ही सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा सारे लोगों से भी उनको वोट करें और जरूर जिताएं उनको नचपलिए। Too cute together and extremely hot together. And ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जब ये लोग आपस में कुछ कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं इन द एपिसोड ओनली आई एम सेइंग, इतनी अडोरेबल और इतनी क्यूट होती है और जैसे ही स्टेज पे कोई सेक्सी सा परफॉर्मेंस देते हैं इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एंड आई लव वॉचिंग देम टुगेदर, बहुत मजा आता है। लास्टली बस अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे
डॉगी एक बहुत ही फन और पेपी गाना है, हमें शूट करने वक्त भी बहुत मजा आया था, अभी भी प्रमोट कर रहे हैं हम, हमें बहुत मजा आ रहा है। आई जस्ट होप कि आप लोग जब ये देखें आपको भी मन करे बार बार सुनने का, बार बार सुनिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, वीडियोस बनाइए अपने, अगर डॉगी में जैसे अपने वीडियो में देखा होगा जो स्टोरी है कि डॉगी ज्यादा भाव देता है लड़के को लड़की से, सो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है शेयर कीजिए हमारे साथ, लेट्स टॉक अबाउट इट मोर, एंड आई लव डॉगी, आई वांट यू गाइस टू लव इट टू। बस जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी अपना फोन उठाएं, यूट्यूब खोलिए, फन खान सर्च कीजिए और मेरा सॉन्ग सुनिए, दोस्तों को सुनाइए, शेयर कीजिए, और जैसे कि इन्होंने कहा तो आपके पास पेट जो है, आपका डॉगी है, उसके साथ जरूर वीडियोस बना के हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू।